अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ए डॉट ट्रेवल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ यूपी मोड़ पर और मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं बाइक कॉर्नर। यहाँ पर यामा के तमाम वेरिएंट मौजूद हैं और अभी जो रिसेंटली यामा YBR 125G लॉन्च हुआ है ऑरेंज कलर में, वो यहाँ पर मौजूद है। वो मैं आप लोगों के साथ इसका जो है रिव्यू शेयर करूँगा और इसका लुक जो है बड़ा ज़बरदस्त है। ऑरेंज कलर का इसका कलर है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। इसकी प्राइस वगैरह क्या चल रही है और यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट पर भी बाइक मिल जाती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो इंस्टॉलमेंट का जो प्लान है वो क्या है। यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट पर भी बाइक ख़रीद सकते हैं, कैश पर भी ख़रीद सकते हैं, और कैश में यामा YBR-G की क्या प्राइस चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो चलते हैं अंदर, और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए मेरे साथ। Clinic, if you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली ये वाला जो कलर है ऑरेंज कलर, ये लॉन्च हुआ है यामा YBR 125G। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से करीब से भी लुक दिखा देता हूँ। इसका जो कलर है मैट ऑरेंज कलर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो आपको ग्राफिक्स नज़र आ रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, और ब्लैक कलर से इसको ग्राफिक्स इसकी की गई है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर भी ऑरेंज कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये रिसेंटली इस कलर को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर हम जो है ना थोड़ा इस बाइक का रिव्यू भी करते हैं, और यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और कैश में इस बाइक की क्या प्राइस है वो भी मैं बताऊँगा आपको। बाइक परचेज करने पर ये स्टिकर आपको इसके साथ मिल जाएगा। इसमें जो कलर अवेलेबल है वो मैट ऑरेंज, मैट ग्रे और ब्लैक कलर, तीन कलर अभी यहाँ पर आ रहे हैं, और ब्लू कलर और रेड कलर को अभी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ का इसका जो फ्यूल टैंक को देख लेते हैं। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें दिया हुआ है। और हम इसकी जो असेंबली की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट और हेडलाइट का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो मीटर, इसका मीटर का लुक वही आपको पुराना यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं की गई है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज मीटर और इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम लेफ़्ट असेंबली में देखें तो यहाँ पर हेडलाइट, हाई लो और इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रंट पर हम आ जाते हैं, तो फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर हेडलाइट का जो बल्ब है वो हेलोजीन बल्ब है, थ्रो इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसका राउंड शेप आपको देखने को मिल रहा है, वही ओल्ड स्टाइल है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की गई है। अगर हम मडगार्ड को देखें तो हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और इसमें फ्रंट टायर को हम देखें, अच्छा फ्रंट टायर में आपको 3x18 के एलॉय रिम्स के साथ आपको टायर मिल जाता है, पैंथर का टायर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर डिस्क ब्रेक, यहाँ फ्रंट में आपको रिलायबल डिस्क ब्रेक है, इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, रोड ग्रिप इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। अच्छा, बैक टायर में हम देखें तो 90x90x18 इंच के एलॉय रिम्स के साथ आपको यहाँ पर बैक टायर मिल जाता है। और इसमें जो आपको चेन कवर मिल रहा है वो हार्ड प्लास्टिक है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके जो शॉक्स वगैरह आप यहाँ पर देखें तो स्विंग आर्म और एडजस्टेबल शॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको हार्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं। और एंड में हम यहाँ पर इसके इंजन को देखें तो इसका जो इंजन है वो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड कैम शेप इस बाइक का जो है इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसका इंजन बड़ा पावरफुल है, 125 cc है, और इसका जो फ्यूल एवरेज है वो 40 से 45 किलोमीटर ये बाइक हमें बिल्कुल दे रही है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का है। अच्छा, बैक टायर में हम देखें तो 90x90x18 इंच के अलॉय रिम्स के साथ आपको यहाँ पर बैक टायर मिल जाता है। और इसमें जो आपको चेन कवर मिल रहा है वो हार्ड प्लास्टिक है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके जो शॉक्स वगैरह आप यहाँ पर देखें
तो स्विंग आर्म और एडजस्टेबल इसके शॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको हार्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं। और एंड में हम यहाँ पर इसके इंजन को देखें तो इसका जो इंजन है वो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड कैम शेप इस बाइक का जो है इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसका इंजन बड़ा पावरफुल है, 125 cc है। और इसका जो फ्यूल एवरेज है वो 40 से 45 किलोमीटर ये बाइक हमें बिल्कुल दे रही है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का है। इंडिकेटर को भी देख लेते हैं, इसमें इंडिकेटर जो है फ्लेक्सिबल है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसमें भी किसी किस्म की चेंजेस नहीं की गई है। और कलर जो है पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कलर ऑरेंज, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम इसकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी देख लेते हैं और कैश में क्या प्राइस है वो भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ की लोकेशन बता दें। ये नागन चौरंगी से जब आप आते हैं तो यूपी मोड़ पे आप बहुत मशहूर जगह है मोटरसाइकिल मार्केट, सेक्टर 11H और बाइक कॉर्नर के नाम से शुरू है ये इसकी लोकेशन। अच्छा, बाइक कॉर्नर के नाम से, ठीक है। अच्छा, यामा के आपके पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं और कौन से मिल जाएंगे ये थोड़ा बताएंगे, यामा के जो भी वेरिएंट है। ये यामा मोटर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अभी 125 cc कैपेसिटी में गाड़ी बना रहा है। इसके चार डिफरेंट वेरिएंट हैं, जिसमें एक YBR Z है, उसके बाद सेकंड इसमें आता है YBR Z Deluxe। ये दो वेरिएंट इन्होंने फैमिली के हिसाब से बनाए हैं, बिल्कुल फैमिली वेरिएंट है। उसके बाद फिर स्पोर्टी शेप में आके आ जाता है, इसमें वो YBR के नाम से जाना जाता है मार्केट में। और टॉप ऑफ द लाइन इसका जो है वो YBR G इन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, ये वाला जो कलर है ऑरेंज, ये कब लॉन्च हुआ है थोड़ा इसके बारे में? ये मैट ऑरेंज कलर जो है ये अभी इन्होंने 10 मई को अभी लॉन्च किया है इन्होंने, और 10 मई को ये मार्केट में सेल पे अवेलेबल। क्योंकि अब कराची और पाकिस्तान की भी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है, मार्केट जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है कि लोग 70 से स्विच करके 100, 125, 125 प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो अब जितनी गाड़ी इंजन कैपेसिटी बढ़ती है या गाड़ी बड़ी होती है, तो जैसे वर्ल्ड वाइड देखा जाता है जितनी ज़्यादा ये कलरफुल होती हैं गाड़ियाँ, तो इसी हिसाब से इनकी अट्रैक्शन होती है। तो कलरफुल जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रही है मार्केट। ठीक है, थोड़ा इंस्टॉलमेंट प्लान बता दें। अगर कोई इंस्टॉलमेंट प्लान अगर आपको यहाँ बाइक कॉर्नर से लेते हैं तो आपको हम 0% मार्कअप की भी ऑफर करते हैं, ठीक है, जो आपको 8 महीने पे है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो इसमें 10+1 एक पैकेज है हमारा जो मार्कअप प्लान है, उसके बाद 14+1 एक पैकेज है वो भी मार्कअप प्लान है, तो वो आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, और कैश में ये इसकी प्राइस बता दें कैश? सर 4,10,000 रुपये इसकी कैश वैल्यू है इनवाइस। अच्छा, मंथली क्या इंस्टॉलमेंट है आपने ये भी बताया? सर वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कस्टमर के ऊपर। चलिए, ठीक है। अच्छा, बाइक का रिव्यू मैंने किया है ऑरेंज कलर यामा YBR 125 G का। तो आपको ये कलर कैसा लगा? पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये कलर, ऑरेंज कलर बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी बताया और कैश में प्राइस बताई है। लोकेशन वगैरह भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, और स्क्रीन पर आपको नंबर भी मिल जाएगा और लोकेशन भी मिल जाएगी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, बाइक कैसी लगी, कलर कैसा लगा। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।